हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुकिंग एंड हेल्थ केयर आइडियाज़ पर। आज हम लोग अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं बेसन की पकौड़ी। इसके लिए मैंने आधा किलो बारीक वाला बेसन लिया है, जिसको मैंने छान कर एक बाउल में रेडी कर लिया है। इसमें हम लोग डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आपको अपने स्वाद अनुसार लेना है। इसके साथ ही आधा चम्मच, छोटी चम्मच से आधा चम्मच हम लोग लेंगे अजवाइन, जो कि हथेलियों से क्रश करके लेना है, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो इसको मैंने हथेलियों से रगड़ कर ले लिया है। इसमें डालेंगे हम लोग आधा चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें दो पिंच डालेंगे हम लोग हींग। हींग से बेसन का टेस्ट बहुत बहुत बढ़िया बन जाता है। हींग डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है, और अजवाइन भी। अब हम लोग डालेंगे इसमें दो चम्मच कुकिंग ऑयल। अब हम लोग इसमें डाल देंगे दो चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल भी डाल दिया। अब हम लोग बेसन को का डो रेडी करेंगे। इसका डो रेडी करने के लिए हम लोग लेंगे एक थाली, और थाली में ये बेसन डालकर इसको अच्छे से पहले तो मिक्स करेंगे। उसके बाद में फिर हल्का थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक टाइट सा डो रेडी करेंगे। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिक्स करना है, जिससे ना तो ये गीला हो और ना ही ये बहुत टाइट रहे, जिससे हम लोगों को जो पपड़ी बेलनी है वो इजीली बेल सकें। तो इसको अच्छे से पहले तो हम लोगों ने जो नमक, अजवाइन, हींग और मिर्च डाली है अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि सारे बेसन में हाथ से ही मिक्स करना होगा। देखिए मिक्स हो गया है। अब हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मारेंगे। तो ये अब मिक्स हो गया है। अब हम लोग डालेंगे इसमें पानी। पानी अभी हमने एक ग्लास लिया है। थोड़ा थोड़ा करके इसी में से डालते जाएंगे। देखें कितना पानी लगता है। पूरा एक ग्लास भर के हमने इसको लिया था। थोड़ा सा पानी और डालेंगे अभी। अब हम लोग पानी नहीं डालेंगे और इसी को मिक्स करेंगे। देखिए आधा ग्लास भी पानी नहीं लगा है हम लोगों का, और ये पर्याप्त पानी इसमें हो गया है। अब हम लोग इसी को अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए, बेसन का डो हम लोगों का रेडी हो गया है। अब हम लोग इसको एक चकले पर रख कर इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। लोई आप अपने हिसाब से बनाइए, छोटी बड़ी, जैसे भी आपको पपड़ी बनानी हो। तो इसको साइड रख कर हम लोग लेंगे एक चकला, और चकले पर रख कर इसको डो को, इसकी छोटी छोटी, एक अच्छे से इसको हम लोग
मिक्स कर लिया है, इसकी लोई रेडी करते हैं। तो देखिए इस साइज की हम लोई रेडी कर रहे हैं, ना तो ये बहुत बड़ी है और ना ही बहुत छोटी बनाई है। इसमें से एक लोई लेकर हम लोग बनाएंगे इसके गोल गोल पपड़ी। लीजिए ये लोई हम लोगों की रेडी हो गई है। चकले पर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, जिससे ये लोई हम लोगों की चिपकेगी नहीं। हमने चकले पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, इसको हम लोग बेलन की हेल्प से बेलेंगे छोटा छोटा, ना तो बहुत हम लोगों को पतला करना है और ना ही हम लोगों को इसको बहुत ज़्यादा मोटा रहने देना है। लीजिए हम लोगों की पपड़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। इसी तरह से अब हम लोग इसको बाकी को भी बेल लेंगे, देखिए। और इसके साथ बेलने के साथ ही हम लोग गैस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। तो चलिए इसको बेलते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सारी पापड़ी बेलकर रेडी कर ली है और गैस पर चढ़ाई हमने कढ़ाई, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। और अब हम लोग कढ़ाई के ऑयल का गर्म होने का वेट करते हैं और मीडियम फ्लेम पर ही हम लोगों को अपनी पापड़ी सेकनी है। तो देखिए अभी हम लोगों का ऑयल अच्छे से हुआ नहीं है, एक दो मिनट हम लोग इसका वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, ऑयल हो गया है, अब हम लोग डालेंगे एक एक करके चार से पांच एक बार में सेकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और अभी दो मिनट हम लोग चलाएंगे नहीं, ये अपने आप जो सेकेंगी ना वो ऊपर उठ के आ जाएंगी ऑयल के साथ। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, अदरवाइज ये फट जाएंगी। देखिए ये सिकने लगी है तो ये अपने आप ऊपर उठ के आ रही है। लीजिए पापड़ी हम लोगों की सिक कर रेडी हो गई है। देखिए अब हम लोग निकालेंगे इनको बाहर, लगभग 5 मिनट लगे होंगे इनको सिकने में। इनको निकालेंगे बाहर और दूसरी हम लोग अब सिकने के लिए इसमें डाल देंगे। इसी तरह से हम लोग बाकी की भी सेक लेंगे। लीजिए फ्रेंड, सारी पापड़ी तलकर रेडी हो गई हैं, टेस्ट में बहुत अच्छी लगती हैं, ट्राई ज़रूर करिए। यदि आपको आज की पपड़ी की रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट में बताइए
और मेरे आने वाले वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके इसके लिए आप बेल आइकन को करिए प्रेस। थैंक यू।